नाइन्थ क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, वही सारा जैसा हमने इससे पहले सारा क्वेश्चन बनाया था। सबसे पहले इसमें हम लोग काम क्या करेंगे कि ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। देखो क्या आता है उसके बाद। ये हो जाएगा 7 × 1 = 22/3 डिवीजन 2/3 ऑफ, इसको करें चेंज करें कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10 +1 = 11/5 प्लस ये हो जाएगा 11/8, ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 / 3 = 11 / 4 माइनस ये हो जाएगा 3/2। 11 कुछ ज़्यादा टाइम आ रहा है 11, ठीक है फिर भी सॉल्व करते हैं। अब इतने में जब तुम देखोगे तो डिवीज़न है, ऑफ है, सब प्लस माइनस सब है इसमें। ऑफ का काम सबसे पहले, क्या कुछ कट सकता है इसमें, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा 22/3, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 × 11 और 3 × 5 = 15 प्लस 11/8 डिवाइडेड बाई 11/4 माइनस 3/2। फिर से ध्यान दो, एक चीज़ यहाँ सीखने वाली है, दो एक ही लाइन में, एक ही स्टेप में दो दो जगह डिवीज़न है। क्या करेंगे हम लोग, एक साथ हो या अलग अलग हो, यदि एक ही ऑपरेटर है, ध्यान रखना एक ही ऑपरेटर है और फ्री है, कहने का मतलब इसमें बीच में कहीं ब्रैकेट ये सब नहीं है, एक ही जगह पे है, तो हम लोग इस दोनों का काम एक बार में ही कर देंगे। यदि ये ब्रैकेट में रहता या कुछ और रहता तब नहीं करते, लेकिन ये चूंकि सारा इक्वेशन एक ही लेवल में है तो हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे इसी स्टेप में और इसको भी सॉल्व करेंगे इसी स्टेप में। कैसे होगा, फ्रैक्शन का डिवीज़न है, वही रूल है, इन्वर्ट एंड मल्टीप्लाई। तो 22/3 जो बाद में रहता है ना, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जो डिवाइजर है उसको इन्वर्ट एंड मल्टीप्लाई करते हैं, डिविडेंड को नहीं कर देते हैं, तो ये तो इसी तरह रहेगा। तो ये हो जाएगा इनटू माइनस, ये डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और ये इन्वर्ट होकर हो जाएगा 15/22 प्लस, तो इसी तरह रहेगा। और इसको भी हम लोग वही काम 11/8 × 4/11 इसको भी इन्वर्ट कर दिया, बाकी जो जैसा है वैसे ही रहेगा, ये हमेशा याद रखना। दो मल्टीप्लीकेशन एक जगह है, एक साथ सॉल्व करो इसको, ये और ये वन टाइम कट गया और थ्री से ये फाइव टाइम्स कट गया। हमारे पास आ गया क्या, 1 × 5 = 5, नीचे में 1 है कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, चलो 5 प्लस ये देखो क्या होगा, ये 11 से 11 वन टाइम कट गया और ये 4 से 8 टू टाइम्स कट गया। हमारे पास आ गया ये 1/2 × 1 = 2 −3/2, यही आ गया हमारे पास। सबसे पहले एडिशन, 2 हो जाएगा, 1 से डिवाइड करोगे 2 × 5 = 10 प्लस 1 −3/2 ऐसे ही रहेगा। हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं इसको, ये आ गया हमारे पास 11/2 −3/2, कितना हो गया ये, एलसीएम लोगे तो 2 हो जाएगा, ऊपर में वही रह जाएगा 11 − 3, इसका मतलब 8/2 डिवाइड करोगे 4 टाइम्स कट गया, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास 4। देखो ये 10th क्वेश्चन है, ये भी उसी तरह है, इसमें कुछ नया नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले कर लिया है। इसमें भी देखो दिया हुआ है मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 7 × 5 = 35 और 1 = 36/7 माइनस ये कितना हो जाएगा 30 + 3 = 33/10 डिवाइडेड बाय 5 × 10 + 4 = 14/5 −7/10 आ गया हमारे पास सिंपल सा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सबसे पहले किसका काम करेंगे, ध्यान दो किसका काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स हैं तो ब्रैकेट्स का ही काम करेंगे और उसमें भी पैरेंथेसिस का, बाकी सबको हम इसी तरह लिखेंगे 36/7 −33/10 डिवीज़न, ये यहीं तक ये रहेगा, उसके बाद इसका ये सबको बंद कर दो, दोनों का एलसीएम लोगे आएगा 10, ये 5 से 2 टाइम्स कटेगा और 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 28 −7, ठीक है। अगले स्टेप में हम लोग अभी भी इसी पर भिड़े रहेंगे क्योंकि वो अभी बचा हुआ है, जब तक उसको ख़त्म ना कर दें चैन नहीं लेना है। डिवीज़न 28 −7 कितना हो गया, 21/10 जो पैरेंथेसिस है उसका काम ख़त्म, उसी के बदले में हमें ये आ गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 36/7 माइनस,
हमने क्या कहा था, डिवीज़न हो फ्रैक्शन का, इन्वर्ट एंड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किया और इसको इन्वर्ट कर दिया, 21 अपॉन 10 को 10 अपॉन 21 कर दिया। अब हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 36 अपॉन 7 माइनस, देखो यहाँ कुछ कट सकता है, ये 10 से 10 वन टाइम कट जाएगा और ये 3 से कटेगा, ये 11 टाइम्स और ये 7 टाइम्स, क्या आ गया हमारे पास 11 इंटू 1 11 अपॉन 1 इंटू 7 7। अब ये बहुत ईजी हो गया, एलसीएम ले लो तो 7 ही रहेगा, ये आ जाएगा हमारे पास 36 माइनस 11 कितना आ गया, ये हो जाएगा 25 अपॉन 7। यहीं पे छोड़ देंगे क्या, नहीं, मैंने तुम्हें बार बार कहा है कि जब भी आंसर तुम्हारा यदि आंसर आ रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और आंसर यदि मिक्स्ड में दिया हुआ है तो इसको भी हम मिक्स्ड में कन्वर्ट करके ही छोड़ेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 21 हो गया 3 इंटू 3 होल 4 अपॉन 7। 11th क्वेश्चन, ठीक है, इसके पहले भी बना चुके थे, कुछ नया नहीं है इसमें, इसके पहले वाला क्वेश्चन है उसी तरह से बनेगा ये। सबसे पहले जो ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको हम लोग इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 9 चौका 36 और 3 39 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 13 अपॉन 6 6 दून 12 एक 13 प्लस, ये हो जाएगा 4 तिया 12 एक 13 बट्टे 3 माइनस, ये कितना हो जाएगा 3 बट्टे 2 प्लस 7 बट्टे 4। बंद कर दो सबको, ठीक है, कहीं गलती तो नहीं हुई, देख लो 9 चौका 36 7 39 6 दून 12 एक 13 बट्टे 6 13 बट्टे 3 3 बट्टे 2 जो 4 3 7 बट्टे 4, ठीक है। अब सबसे पहले किसका काम करेंगे, पैरेंथेसिस का, कितना हो जाएगा ये 39 अपॉन 4 डिवाइडेड बाई 13 अपॉन 6 प्लस, लिखते लिखते आदमी इसमें थोड़ा थक जाता है, इसमें बार बार एक ही चीज़ को लिखना पड़ता है, करना है यही काम, इस पूरे को लिखना पड़ रहा है हमें। देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 एलसीएम हो जाएगा, इसको पूरा बंद कर दो पहले, ठीक है, ये 2 टाइम्स कटेगा तो 6 प्लस 7 यही हुआ हमारे पास। इसके आगे क्या हो जाएगा 39 अपॉन 4 डिवाइडेड बाई 13 अपॉन 6 प्लस 13 अपॉन 3 माइनस, ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 6 प्लस 7 13 अपॉन 4, एक ब्रैकेट हमारा ख़त्म हो गया। आगे देखो ये क्या आएगा, 39 अपॉन 4 डिवीज़न है 13 अपॉन 6 प्लस, ये कैसे होगा, हम लोग इसका भी कुछ नहीं है, एलसीएम ही लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 12, 4 टाइम्स तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 13 चौका हो गया 52 और माइनस 13 को 3 से हो गया, ये हो गया 39। अब हमारे पास क्या आ गया 39 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय, ये है बिग ब्रैकेट 13 अपॉन 6 प्लस, कितना हो जाएगा 52 माइनस 39 40, एक जोड़ लोगे और उसका 12 तो 13 हो जाएगा, 13 प्लस 13 अपॉन 12 यही होना चाहिए, ठीक ही है यही होगा, इसको अब बंद कर दो, हम लोग राइट हैंड साइड में चलते हैं, तुम नीचे लिखना, ठीक है ना, यहाँ थोड़ी जगह की कमी है इसलिए हम राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं। ये हो गया 13 अपॉन 4 डिवाइडेड बाई, अब इसका एलसीएम लोगे 12 ही रहेगा, ये 2 टाइम्स कटेगा और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो ये हो गया 26 प्लस ये 13 का 13 ही रहेगा। अब हमारे पास क्या आ गया 39 अपॉन 4 डिवीज़न में, ये ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 26 प्लस 13 39 अपॉन 12, फ्रैक्शन है डिवीज़न है इन्वर्ट एंड मल्टीप्लाई, तो 39 अपॉन 4 इसी तरह रहेगा, ये डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये इन्वर्ट हो जाएगा, ये हो गया 12 अपॉन 39, 39 से 39 वन टाइम्स और ये 4 से 12 3 टाइम्स, हमारे पास आंसर आ गया 3, ठीक है। इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चंस में ना बार बार एक ही चीज़ को लिखने में थोड़ा सा इरिटेशन होने लगता है और उसी चीज़ को चेक करता है सिंप्लीफिकेशन में कि कितना बच्चा जो है जो भी है सो कुल्ली इसको सॉल्व कर रहा है, वो ज़्यादा हड़बड़ गड़बड़ नहीं कर रहा, जैसे ही जल्दी करोगे कहीं ना कहीं गलती होगी, उसके बाद गया, ये हो गया। अब ट्वेल्थ में देखो क्या है,
एक दिया हुआ है इसमें मिक्स्ड है, सबसे पहले इसको चेंज कर लो तो ये हो जाएगा 40, 41/10 माइनस 2 × 4 = 5/2 माइनस 5/6 माइनस, थोड़ा चेंज करते हैं ये कम चल रहा है ठीक है, एक ही बात है, 5/6 हो गया। अब यहाँ देखो क्या है, सबसे पहले हमने तुम्हें कहा था कि प्लस और माइनस दोनों है ठीक है, इसके पहले हम बतला चुके हैं कि तुम यदि तीनों को एक बार में सॉल्व करोगे तो आंसर वही आएगा जो अलग अलग करने पर होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल ये गलत हो जाएगा, इसलिए हम लोग सबसे पहले इस प्लस वाले को ही करेंगे, ये 10 हो जाएगा, इसको तो पहले लिख लो 14/ ये वाला यहाँ आ गया, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस पार्ट को, ये हो जाएगा 4+3 5 से 2 टाइम्स और 2 को 2 से मल्टीप्लाई ठीक है, 4 हो गया। अब हमारे पास कितना आ गया 41/10 माइनस 5/2 माइनस 5/6 माइनस, अब हमारे पास ये आ गया 7/10 माइनस 4/15 ठीक है। इसको तुम एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकते थे यदि तुम एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा, लेकिन ऐसा काम नहीं करना, स्टेप स्किप करोगे नंबर तुम्हारे कट सकते हैं, इसलिए ये हैं ही उसी के लिए बार बार लिखने के लिए, इसलिए इसको बनाओ चैन से, टेंशन नहीं लेना है। ये 5/6 हो गया माइनस, अब इसका क्या होगा 10 और 15 का एलसीएम 30, ये 3 टाइम्स कटेगा और 7 से मल्टीप्लाई हो गया तो 21 माइनस, ये 2 टाइम्स कटेगा और 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8, इस सब को क्लोज कर दो। हमारे पास कितना आ गया 41/10 माइनस 5/2 माइनस 5/6 माइनस, ये कितना हो जाएगा 21 माइनस 8 ये हो जाएगा 13/30 ठीक है। अब इसके आगे देखो क्या होगा, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 41/10 माइनस 5/2 माइनस, इसका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 30, 5 टाइम्स कटेगा और 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया 25, ये 30 से 31 ये हो गया 13। अब हमारे पास क्या आ गया 41/10 माइनस बिग ब्रैकेट 5/2, इसका काम ख़त्म हो गया उस ब्रैकेट का तो ये हो जाएगा 25 माइनस 13 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ठीक ही है ना, हाँ 12/30। अब ये कितना हो गया, अब ये हमारे पास आ गया 41/10 माइनस, कितना हो जाएगा इसका 30 एलसीएम हो जाएगा ठीक है, 15 टाइम्स कटेगा और ऊपर से मल्टीप्लाई 15 × 5 75 हो गया माइनस 12, ये हमारे पास आ गया 41, इसको ब्रैकेट में ही रखो अभी, 41/10 माइनस कितना हो गया ये 63/30 यही हुआ ना। देखो ये थोड़ा सॉल्व हो सकता है, ये सॉल्व हो जाएगा तो 3 से कटेगा ये 21 टाइम्स और ये कटेगा 10 टाइम्स, हमारे पास आ गया 41/10 माइनस 21/10, अब तो ये यहीं से इजी हो गया, एलसीएम 10 ही रह जाएगा और ये हो गया 41 माइनस 21 ये हो गया 20/10 इक्वल्स टू 2। देखो कितना सिंपल आंसर आया, क्वेश्चन इतना टफ लेंदी बोर हो जाते आदमी बनाते बनाते, लेकिन उसी चीज़ को चेक करता है सिंप्लीफिकेशन में कि लड़के का जो कंसंट्रेशन है वो कब तक कहाँ तक बना हुआ है, करते करते हो गया आंसर हमें छोटा सा मिला 2।